तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रैडिक्स आर्क मेथड के बारे में। ये जो मेथड है ये इस दूसरा नाम भी फेमस होता है इसका, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है ब्रैडिक्स आर्क मेथड को। अब देखिए ये जो मेथड है ये यूज किस लिए किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है कोलोइडल सोल बनाने के लिए, कोलोइडल पार्टिकल्स बनाने के लिए। देखिए हमने पढ़ा था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लायोफिलिक क्या होते हैं, लायोफिलिक कोलोइड कौन से होते हैं एंड लायोफोबिक कोलोइड कौन से होते हैं। लायोफिलिक क्या होते हैं, जो लिक्विड लविंग होते हैं, एंड लायोफोबिक क्या होते हैं, जो लिक्विड हेटिंग होते हैं। लायोफिलिक जो होते हैं वो डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाते हैं एंड ये मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और लायोफोबिक होते हैं जो लिक्विड हेटिंग होते हैं और उनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड यूज किए जाते हैं, और ये जो कोलोइड्स होते हैं मोस्टली मेटल्स के होते हैं और इनको बनाने के लिए हमेशा स्पेशल मेथड यूज किया जाता है, वो स्पेशल मेथड है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। देखिए इस मेथड के अंदर होता क्या है कि आपने कोई एक मेटल है उसका कोलोइड बनाना है, मान लीजिए गोल्ड है सिल्वर है, तब उसकी इलेक्ट्रोड लोगे, उन मेटल को लोगे, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाया जाएगा जिससे क्या होगा बहुत ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस हीट की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये वेपराइज हो जाएंगी, इसके जो एटम्स हैं वो टूटना स्टार्ट कर देंगे, और फिर उनको क्या होगा कि ये जो आइस है ये उनको बिल्कुल कूल कर देगी, और वो जो कोलोइडल पार्टिकल है वो इस डिस्पर्शन मीडियम में घुले रहेंगे और ये हमारी मेटल का कोलोइड बन जाएगा। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, क्या होता है दिस मेथड, एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स of the metal whose soul is to be prepared. Whose soul is to be prepared and immersed in dispersion medium. And ये जो dispersion medium होता है, डिस्पर्शन मीडियम, ये जो आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है ये मोस्टली आपका वॉटर ही हुआ करता है। द इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड विच वेपराइज द मेटल, which then condense by ice to form particles of colloidal size. And कौन कौन से सोल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लाइक गोल्ड सोल, मेटल्स के जो सोल होते हैं सिल्वर सोल। रिपीट कर दे रहा हूं, आपने इलेक्ट्रोड बनानी है किसी भी मेटल की जिसके आपने सोल बनाने हैं, एंड उनके बीच में क्या करोगे इलेक्ट्रिक आर्क बना दोगे जिससे वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और बहुत ज्यादा हीट की वजह से क्या होगा ये मेटल जो है वो झड़ना स्टार्ट कर देगी, इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो वेपर्स को कूल कौन करेगा, कंडेंस कौन करेगा, ये जो आइस है, एंड इस तरह से हमारा किसी भी मेटल का सोल बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। Dum 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 dum.